भव्य होगी बीजेपी की शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा। ये कहना है बीजेपी के जिलाध्यक्ष और गोहाना से बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी तीर्थ राणा का। तीर्थ राणा ने बताया कि इस यात्रा के लिए काफी मेहनत की जा रही है। यात्रा पूरे शहर को कवर करेगी और हर चौक पर माल्यार्पण करेगी। इस यात्रा में पूर्व फौजी, खिलाड़ी और किसान भी हिस्सा लेंगे, क्योंकि ये यात्रा शहीदों के सम्मान के साथ पूरे समाज में नई ऊर्जा भरने का काम करेगी। तीर्थ राणा ने दावा किया कि यात्रा में 6 खिलाड़ी अपना कौशल दिखाएंगे, वहीं किसान भी अपने ट्रैक्टर लेकर पहुंचेंगे। देशभक्ति नारों से लबरेज इस यात्रा का आयोजन 13 अगस्त सुबह 10 बजे से किया जाएगा। वंदे मातरम साथियों, मेरी सोनीपत जिले की तिरंगा यात्रा 7 तारीख से शुरू हुई थी। वैसे ये मोदी जी के आह्वान पर एक 15 दिन का यह पखवाड़ा रखा गया है। देश के शहीदों के लिए, देश के शहीदों के सम्मान में एक तिरंगा यात्रा पूरे देश भर में निकाली गई है और हरियाणा में ये 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक निकाली गई है। मेरे ज़िले में, सोनीपत ज़िले में 7 तारीख से गन्नौर विधानसभा की शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा निकाली गई। बहुत ही भव्य और अनुशासन तरीके से बहुत अच्छी तिरंगा यात्रा गन्नौर विधानसभा की रही। 8 तारीख को राय विधानसभा में तिरंगा यात्रा निकाली गई, बहुत ही अच्छी और सुंदर शहीदी तिरंगा यात्रा रही। 9 तारीख को बड़ौदा हल्के में मोटरसाइकिलों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई, बहुत ही भव्य आयोजन बड़ौदा विधानसभा का रहा। और कल 10 तारीख को हमने जो गई है इसको खरखोदा विधानसभा की निकाली थी पैदल यात्रा पूरे खरखोदा शहर में, बहुत ही अच्छा तिरंगा यात्रा, बहुत ही भव्य तिरंगा यात्रा रही। अब 13 तारीख को गोहाना विधानसभा की, जिसका आयोजन मैं खुद कर रहा हूँ, रहेगी। ये सब्जी मंडी से शुरू होकर अंबेडकर चौक, बड़ौदा रोड, बड़ौदा रोड से फाटक के पास से पुरानी अनाज मंडी, पुरानी अनाज मंडी से हमारे छोटूराम चौक, छोटूराम चौक से शहीदी चौक, शहीदी चौक से देवीलाल चौक और पानीपत रोड पर इसका समापन होगा। ये यात्रा कल 13 तारीख को 10 बजे शुरू करके और जब तक यात्रा पूरी, यात्रा का आयोजन रहेगा और भव्य और अच्छी तरीके से हम शहीदों के सम्मान में इसमें हमारे देश के जो सैनिक शहीद हुए हैं उनके सम्मान में है। इसमें हमने फौजियों को भी, जो रिटायरमेंट फौजी हैं उसको भी शामिल किया है। इसमें हमने खिलाड़ी जो मेडल जीत के आए हैं उनके सम्मान के लिए भी हमने कुछ खिलाड़ियों को भी शामिल किया है। और इसमें जो सामाजिक संस्थाएं हैं वह भी बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। सभी गोवाना शहर की सभी सामाजिक संस्थाओं से भी मैंने आग्रह प्रार्थना की कि सभी मिलजुल कर इस यात्रा को अच्छी और भव्य बनाएंगे और भारत माता का एक अच्छा संदेश देंगे। 14 तारीख को सोनीपत विधानसभा की तिरंगा यात्रा रहेगी, वह हमारी आखिरी जिले की तिरंगा यात्रा रहेगी। सभी तिरंगा यात्राएँ बहुत अच्छी चल रही हैं और परमात्मा के आशीर्वाद से आने वाली दोनों तिरंगा यात्रा भी बहुत अच्छी रहेंगी। तो किसानों, नहीं किसानों का इसमें वो कोई बात नहीं है, ये तो सामाजिक है, सबकी मिली जुली तिरंगा यात्रा, इसमें सामाजिक संगठन भी भाग ले रहे हैं। इसका किसी पार्टी और उससे जेजेपी बीजेपी से कुछ, बिल्कुल इसमें किसान भी खुद आगे आ रहे हैं, खुद उसमें तिरंगे के सम्मान में। खुद मैं बोल रहा हूँ कि कल जो 13 तारीख को जो तिरंगा यात्रा हो रही है वो सभी ट्रैक्टर और ट्रेलियों में हो रही है, सभी किसान आ रहे हैं, तो इसमें कोई नहीं, सभी तिरंगा यात्रा में सब किसान शामिल हो रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं। इसमें मेरी विधानसभा में कर्णदेव कम्बोज जी रहेंगे, जो प्रदेश की तरफ से जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, तो तिरंगा यात्रा में कर्णदेव कम्बोज जी रहेंगे और मेरे पूरे जिला के सभी, जैसे निर्मल बहन जी, मोहनलाल बड़ोली जी और एमपी साहब का तो 17, जितने भी सीनियर नेता हैं पूरे ज़िले के सब इसमें शामिल रहेंगे। और सामाजिक संस्थाओं के बहुत ज़्यादा जो सीनियर आदमी हैं, जो अच्छे ज़िले में अच्छा काम कर रहे हैं, वह भी सामाजिक संस्थाओं के सभी आदमी इसमें शामिल रहेंगे। नहीं पैदल नहीं, इसमें पूरी की पूरी यात्रा ट्रैक्टर और ट्रेलियों में रहेगी हमारी। ट्रैक्टर और ट्रैक्टर ट्रेलियों को सजा के झंडों से, तिरंगे झंडों से, और उसमें सभी के हाथों में झंडे, तिरंगा झंडा होगा, उसमें बैठ के आराम से बड़ा शांतिपूर्वक तरीके से आगे डीजे पे देशभक्ति के गीत बाजते हुए, और उसमें कुछ खिलाड़ी
जो स्केटिंग के बच्चे होंगे वो साथ साथ चलेंगे, और उसमें फिर पीछे पीछे हमारे रिटायरमेंट फौजी होंगे, उसके पीछे महिलाओं की टुकड़ी होगी, उसके बाद हमारे नेता होंगे और सभी कार्यकर्ता उसमें मिलजुल कर बड़े जोर तरीके से भाग लेंगे।